दोस्तों स्वागत है आपका आर्यन कुश भाई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ नया सेशन करने जा रहे हैं, नया चीज़ आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों इस चैनल पे पहली बार है जो आपके सवालों का मैं जवाब देने जा रहे हैं। बहुत दिन से मैं सोच रहा था दोस्तों कि आप जो कमेंट करते हो उसका रिप्लाई मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा कमेंट कर देते हैं कि मैं रिप्लाई दे नहीं पाता हूँ। 2, 4, 5, 10 रिप्लाई देता हूँ, लेकिन इतना समय के अब कम के चलते मैं रिप्लाई आप लोग को नहीं दे पाता हूँ दोस्तों। तो मैं प्रयास करूँगा कम से कम एक सप्ताह में एक आपको क्वेश्चन आंसर का सेशन मैं रखूँ, और रखने के बाद आपको जितनी भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों को मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा दोस्तों। अगर उन लोगों का क्वेश्चन अगर छूट जाए तो आप इनको इसके लिए आप बुरा ना मानिएगा, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा कि चैनल पर जाकर मैं रिप्लाई देने का काम करूँगा। और दोस्तों मैं चलते हैं, आपको रिप्लाई देता हूँ, और इस सेशन को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं आप आने वाले समय में लाइव भी हो सकता हूँ। लाइव होने के बाद आपको एक घंटे या जैसे भी समय रहेगा उस हिसाब से मैं आपको आंसर देने का रिप्लाई करूँगा। दोस्तों मैं चलता हूँ, आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं रिप्लाई आपको देते हैं। जैसे दोस्तों एक हैं जो बेस्ट हैं, यशु डांस स्टूडियो, इन्होंने पूछा है कि मेरे बैंगन के पौधे में फूल झड़ रहे हैं, बैंगन नहीं लग रहे हैं। मैं पिछले 2 महीने से उनको देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, मन करता है कि उखाड़ कर फेंक दूं। सब चैनल वाले से पूछ कर थक गया हूं, सब बेवकूफ़ बनाते हैं, आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं क्या करूं। तो मैं यशु जी से कहना चाहते हैं कि वो अगर बैंगन लगाए हैं तो बैंगन की देखभाल अच्छे तरीके से करें, गुड़ाई निराई गुड़ाई अच्छे तरीके से करें, और अच्छे तरीके से किए उसके बावजूद भी फूल नहीं आ रहे हैं तो दवा का इस्तेमाल करें, और कैल्शियम और बोरान जिस दवा में ज़्यादा परसेंटेज मात्रा में है उनका वो इस्तेमाल करें और उसका छिड़काव करें। सप्ताह में 2 बार छिड़काव करें 5 दिन के अंतराल पर, तो जो उनका फूल झड़ने की प्रवृत्ति है बिल्कुल वो रुक जाएगी, और उसके बाद वो फूल आने लगेंगे तो फल भी आएंगे, जो फल भी आएंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसके बाद दोस्तों मैं आगे चलता हूँ, एक क्वेश्चन पूछा है DK केसरवानी ने, तरीका बहुत अच्छा है लेकिन इसके बाद क्या करना है और कोई खाद डालना है कि नहीं। मैं दोस्तों बता दें आपके कि ये मैं गमले की मिट्टी बनाने के लिए बताया था, उसमें इन्होंने पूछा है। दोस्तों आपसे बता दें कि आप जो पूछा है तरीके बहुत अच्छा है लेकिन इसके बाद क्या करना चाहिए, कौन सा खाद डालें। दोस्तों आपसे बता दें कि आप प्लांट लगा दीजिए, प्लांट लगाने में जब प्लांट ग्रो करेगा तो जैसा प्लांट लगाएंगे, अगर हार्वेस्टिंग वाले प्लांट लगाएंगे दोस्तों तो आपको जब भी हार्वेस्टिंग आप कर लेंगे तो हार्वेस्टिंग करने के बाद कुछ ना कुछ आपको फर्टिलाइज़र देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी और आपको ज़रूरत देना चाहिए। जैसे आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, कंपोस्ट अगर आप अपने घरों में तैयार किए तो उसको आप दे सकते हैं। दोस्तों मैं आगे चलता हूँ, आगे है अश्विनी कुमार, हो जाएंगे भगवान की कृपा से आप कुशवाहा जी, थैंक्स। मैं इनको थैंक्स बोलना चाहते हैं अश्विनी कुमार को। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, कुशवाहा जी नमस्ते, क्या इस नींबू के पौधे तना गुलाब और गुलाब के पौधे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कृपया बताएं। दोस्तों आपसे मैं बता दूं कि जो इन्होंने पूछा है रिपनुजा निशान है कि जो नींबू का जो पौधा है और जो पौधे में जो उसका तना इनका निकल रहा है, इस तने को ये निचला जो तना है इसको आप निकाल सकते हैं काट के, और जो ऊपरा सतह है वो जो ऊपरी सतह का जो तना है उसको वो न काटें ताकि पौधा ग्रो करने में आसानी रहेगा। दोस्तों उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है मैं बता दूँ आपसे कि बिल्कुल धूप में ना तो कुछ लगा सकते हैं और ना ही कुछ हम कर सकते हैं, या कुछ कर सकते हैं तो आप बताएँ इसमें कौन सी सब्ज़ी हम लगा सकते हैं। दोस्तों आपसे मैं बता दूँ, इन्होंने पूछा है अतर कौर ने, इन्होंने जो पूछा है तो मैं इनको कहना चाहते हैं दोस्तों कि कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो सब्जी बिना धूप के भी हो सकती हैं। मैंने YouTube चैनल पे आर्यन कुशवाहा YouTube पे मैंने डाल रखा है, आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी सब्जियां जो ऐसी हैं जो बिना धूप में भी हो सकती हैं। दोस्तों उसके बाद मैं अगला चैनल आपको बताते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इनका है, बनाना के प्लांट में क्या खाद डालूँ कि उसके फूल ज़्यादा आएँ और ज़्यादा आएँ तो फल भी मुझे मिले। अब मैं इनको बता दूं कि इनका नाम है अनिल कौशिक। अनिल कौशिक जी, बनाना के जो प्लांट में क्या खाद डालें, आप खाद रासायनिक फर्टिलाइज़र और कार्बनिक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का आप 50-50 इस्तेमाल करिए बनाना में। और उसके बाद मैं आपको बनाना का जो छिलका होता है, छिलके के बारे में मैंने आपको फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने की विधि मैंने बताया है, इस खाद का भी इस्तेमाल उसमें आप कर सकते हैं।
उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इनका, गुड फास्ट ग्रोइंग टेक्निक, ये पूछे हैं निशान जय संजय सिंह जी ने, गुड फास्ट ग्रोइंग टेक्निक, थैंक्स मैं इनको बोलना चाहते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बता दूँ आपसे कि सर का नंबर चाहिए हमको प्लीज कुशवाहा जी, माई नंबर इतना राकेश कुशवाहा, इन्होंने राकेश कुमार ने जो हैं ये इनका नाम है राकेश कुशवाहा और इन्होंने मेरा नंबर मांगा है, तो मैं इनसे बता दें कि नंबर सर अब नहीं आपको मिल सकता है, आप जो भी कमेंट पूछना है आप वीडियो के कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर सकता हूँ। ये दीपू कुमार जी हैं, क्या इसको छोड़ खाना करना है बैगन में? आपको मैं बता दूँ कि इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या छोड़ खाना करना है बैगन में? अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दीपू कुमार जी दोबारा आप इसे पूछिए, ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, लाल चंद कोचर, आप प्रत्येक बात को बार बार कहते हैं और इसे जो जानकारी मिलती है बहुत सही मिलती है, तो मैं लाल चंद कोचर को धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके बाद जो कुमार रायत करके हैं, थैंक्स योर शेयरिंग योर नॉलेज, प्लीज़ कीप शेयरिंग टिप्स इट्स इवन इन इंसेक्ट, तो मैं आपको बता दूं कि इंसेक्ट के ऊपर मैं शेयर करूंगा और इंसेक्ट के ऊपर वीडियो मेरी बन रही है, मैं बना को आपको इंसेक्ट के ऊपर वीडियो बहुत जल्द से जल्द चैनल पे डाल दूंगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, रोशन बढ़ानी, मुझे आपसे बात करनी है, कैसे कनेक्ट करें? आपको मैं कहना चाहते हैं रोशन बढ़ानी जी को कि ये आप ये डाल सकते हैं यूट्यूब वीडियो पर, कमेंट कर सकते हैं, मैं इनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद बता दें आपसे कि जो अगली जानकारी है, स्वामी शरण इन्होंने हमसे लेना चाहा है, ये मुझसे कहें कि सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया, जो आप आलू की सिंचाई में आप बोले हैं कि सिंचाई 8 से 10 बार मुझे करनी चाहिए, आप बताइए क्या ये मैं कितना करूं? मैं इनसे कहना चाहते हैं कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आपका वातावरण है, जैसे एरिया है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। जो पिछेती जो आलू है और अगेती आलू, दोनों में जो सिंचाई होती है वो कम बेसी भी होता है, कभी 5-6 में होता है, कभी 8 से 10 में भी होता है, कभी 4 से 5 में भी वो लोग आलू की खुदाई कर लेते हैं। उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है अरविंद भट्ट, ये बताया कि बहुत बढ़िया भाई जी, कोकोपीट बनाए कि बहुत ही अच्छी विधि है, थैंक्स अरविंद भट्ट को, कोकोपीट बनाने की जो विधि मैंने बताया था उस पर इन्होंने थैंक्स बोला है। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग इनके चैनल का नाम है, ये दिया है किसी भी फसल को ऑर्गेनिक खाद दवाई से करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे ले सकते हैं, तो मैं इनके लिए आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस चैनल पे बहुत ऐसे मिल जाएंगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र, ड्राई फर्टिलाइज़र, आप जाके देख सकते हैं और देखने के बाद आप इम्प्लीमेंट करिए, इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखिए मिट्टी की क्षमता को आप बना कर रखिए, आपकी जो उत्पादन है उत्पादन ऑलरेडी आपको बढ़ के मिलेगी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है सैत्सुक आर्ट ने, ये सर कौन सा बाढ़ पीर हम हैं जो नीम खली पानी और चैन स्टोर कर सकते हैं, क्या कितने दिनों बाद दोबारा हम डालें? इन्होंने नीम खली के बारे में पूछा है कि नीम खली को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं और ये कितने दिन दोबारा हम डाल सकते हैं। तो देखिए नीम की खली मैंने वीडियो में आपको बता रखा था कि लिक्विड फर्टिलाइज़र नीम की खली को बनाए कैसे डालना है, तो उसको आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसको स्टोर आप 1 सप्ताह तक कर सकते हैं। उसके बाद और जो दिया है कि कितने दिन बाद दोबारा हम डालें, आप नीम की खली को इस्तेमाल कर लें तो मंथ में एक बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट को आप दे सकते हैं, देने के बाद एक मंथ में आपको देने की आवश्यकता नहीं, दूसरे मंथ में इसको आप दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, मैं बताना जा रहा हूँ कि धर्मेश शाह ने रिप्लाई किया है कि वेरी गुड, थैंक्स मैं इनको कहना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हरभजन सिंह, इनका क्वेश्चन है कि रेतीली मिट्टी को मकान बनाने में यूज होती है वो उसी को करना है? हाँ जी, जो मैंने रेत की बात किया हुआ, जो कंस्ट्रक्शन काम में जो आता है रेत, उसी रेत को मिलाना है और उसी रेत को मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आगे में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इनका नाम है प्रेरणा चेता, सर आई हैव टीनी गार्डन, देयर इज नो स्पेसिफिकेशन इस प्लेस, वीडियो इज वेरी नॉलेजफुल, थैंक्स प्रेरणा जी। उसके बाद मैं आगे चलते हैं, ये रोहित यादव जी ने क्वेश्चन किया है, 3 महीने का फसल लेकिन फल नहीं देता है, क्या बीमारी है? मैं इनसे कहना चाहता है कि आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप इसे
फ़ोटो जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक मालूम नहीं चलेगा कि 3 महीने की आपकी फसल हो चुकी है, तो फसल होने के बाद आपको क्या बीमारी है। इसके लिए आप मुझे रिप्लाई करिए या कमेंट में मुझसे बात करने का कोशिश करें। उसके बाद दोस्तों देखिए, दोस्तों बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछ रखा है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हर एक लोगों का क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करते जाऊँ, लेकिन दोस्तों अगर हर लोगों का मैं रिप्लाई करूँगा तो वीडियो ये बहुत लंबा बन जाएगा। तो प्लीज़ आप बुरा ना मानिएगा जिन लोगों का क्वेश्चन छूट गया होगा, या मैं एक आध दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ। जैसे एक लोगों ने पूछ रखा है कि आर्यन कुशवाहा जी धन्यवाद, आपने जो ये वीडियो बनाया है ये बहुत ही अच्छी है। तो मैं इनको कहना चाहते हैं, इनका नाम है SS Art & Craft with Gardening। तो मैं इनको थैंक्स बोलना चाहते हैं। ये जो पूछे हैं मुझसे कनकही कुमार, सर जी नमस्कार, मैं कनकही कुमार कुशवाहा आपका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आपसे। सर जी रिक्वेस्ट है कि आपका अपना नंबर दें। मैं आपसे दोबारा फिर से कहना चाहते हैं कि नंबर मैं अपना नहीं दे सकते सर। हाँ, आप मुझे बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं क्या आपका क्वेश्चन है, मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है खान खान, किसी किसी को फूल पानी ज़मीन बता पे लेना है तो संपर्क करें, गोबर की खाद भरपूर डाले हुए हैं, 50-60 गए बीन्स पले हुए हैं। इन्होंने अपना प्रचार किया हुआ है, इनके पास कोई गोबर की खाद है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन मील विंटर फ्लावर में 10% लेना है क्या? हाँ जी, विंटर फ्लावर में अगर आप मिट्टी बना रहे हैं फ्लावर के लिए तो बोन मील कम से कम आप 10% ज़रूर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम लता जी, इट्स गुड आई आल्सो एक्सपीरियंस ऑलरेडी, थैंक्स बेटा जी। तो धन्यवाद मैं बोलना चाहते हैं इनको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेके गोस्वामी भाई, कौन सी चीज़ कितना कितना लेना है ये कंफर्म आप कर दीजिए, उसके बाद मुझे आपसे बात करना है। दोस्तों मैं बता दूं आपसे कि जो भी मैं आपको चीज़ें लेने के लिए बताता हूं कंफर्म मैं करता हूं, उस वीडियो को आप दोबारा जाके एक बार देखिए कि कौन कौन चीज़ें कितनी कितनी मात्रा में लेना है और लेने के बाद उसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों मैं अब बहुत क्वेश्चन का आंसर दे दिया और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का क्वेश्चन छूट गया होगा उन लोगों को अब मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, दोबारा का तिबारा मैं कहना चाहते हैं कि बुरा ना मानिएगा, मैं दोबारा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा या चैनल पर जाकर उनके क्वेश्चन का मैं आंसर देने का कष्ट करूँगा। दोस्तों ये आपको जो पहला दिन जो है आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल पर जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों आर्यन कुशवाहा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाला वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।